वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पोस्टीरियर कॉलम, मीडियल लैमिनिस्कस पाथवे, या इसे डॉर्सल कॉलम पाथवे भी कहते हैं, या ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डाक भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आता है तो आपको समझना चाहिए कि ये कौन सी किस क्वेश्चन के का आपको आंसर करना है। तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स कई तरीके के होते हैं, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट है, स्पाइनोथैलेमस ट्रैक्ट है, अदर्स। आज हम पढ़ रहे हैं डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट पे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इस पर MCQs बनते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैक्ट है जब सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन होता है क्लिनिकल लैब में। तो सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली फाइबर्स असेंडिंग इन डॉर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इसमें फाइनली स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर्स कहाँ जाएंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। अब ये रूट किस तरीके से होता हुआ जाता है इसे हम आगे पढ़ेंगे, और इसे मिडिल एमिनिस्कस पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं इस पाथवे के वो ऑक्यूपाई करते हैं मिडिल एमिनिस्कस इन ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मतलब मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। तो इस रूट पे जो फाइबर्स इस ट्रैक्ट को आगे कन्वे करते हैं उसे बोलते हैं, उसकी वजह से उसे बोलते हैं मीडियल लैमिनिस्कस पाथवे, लैमिनिस्कस पाथवे। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्पाइनल कॉर्ड से शुरू करते हैं। सो दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोग्नोसिस जैसी सेंसेशंस को कैरी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमें ये समझना होगा कि ये जो ट्रैक्ट है ये थ्री ऑर्डर न्यूरॉन पे काम करता है। ये थ्री ऑर्डर न्यूरॉन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से अराइज होते हैं? तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है, जो सेंसरी रिसेप्टर से अराइज होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में इसकी सेल बॉडी होती है, और ये फाइबर्स जो हैं ये डॉर्सल कॉलम में ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ फाइबर्स जो हैं वो ग्रेसिलिस फैसिकुलस से होते हुए, और कुछ फाइबर्स जो हैं वो क्यूनिएटस फैसिकुलस से होते हुए निकल जाते हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये मीडियल वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो इसको बोलते हैं ग्रेसिली फैसिकुलस, और जो लेटरल वाला पार्ट है इसे बोलते हैं क्यूनिएट फैसिकुलस। जो फाइबर्स ग्रेसिल फैसिकुलस से होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, मीडियली लोकेटेड होते हैं, उसे ट्रैक्ट ऑफ गॉल भी कहते हैं। और ये बेसिकली किसकी सेंसेशन कैरी करते हैं? कैरी सेंसेशन फ्रॉम हिंड लिम्स एंड ट्रंक। जो फाइबर्स क्यूनिएट फैसिकुलस से होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, ये देखिए लेटरली, तो क्यूनिएट फैसिकुलस की तरफ से जो जाते हैं वो लेटरली प्लेस्ड होते हैं, उसे ट्रैक्ट ऑफ बर्डाक भी बोलते हैं, और ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम अपर लिम्ब और अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन अराइज हुआ रिसेप्टर से, और फाइनली ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुआ, और ऊपर की तरफ ग्रेसिली फैसिकुलस और क्यूनिएट फैसिकुलस के थ्रू ऊपर की तरफ चला। यहाँ हम इस चीज़ को लर्न करेंगे ध्यान से कि न्यूरॉन्स अराइज फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक, एसेंड अप इन ग्रेसिल फैसिकुलस, एंड न्यूरॉन्स अराइव फ्रॉम अपर एक्सट्रीमिटी एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, एसेंड इन क्यूनिएट फैसिकुलस। सो आप कन्फ्यूज ना हो, तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है दिस इज ग्रेसिल फैसिकुलस एंड दिस वन इज क्यूनिएट फैसिकुलस, ठीक है, जो लेटरली है। अब ये फाइबर्स जो है ऊपर की तरफ असेंड होंगे, मेडुला में रिले करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट इन न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस इन मेडुला। तो जो न्यूक्लियस, जो ग्रेसिल फैसिकुलस से ऊपर फाइबर आए हैं वो टर्मिनेट होंगे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में, और जो फाइबर क्यूनिएट फैसिकुलस से ऊपर की तरफ आए हैं ये टर्मिनेट होंगे मेडुला में न्यूक्लियस क्यूनिएटस पे, ठीक है। सो ये मेडुला के पार्ट पे अब हम आ गए। अब यहाँ पे ये साइनेप्स करेंगे और यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा। सो ये जो फाइबर्स हैं ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फाइबर्स हैं। इनकी क्या खास बात है कि ये क्रॉस टूवर्ड्स द मिड लाइन, और उसके बाद दूसरी तरफ से ये
ऊपर बढ़ना या एसेंड होना शुरू करते हैं। सो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज इन मेडुला, यहाँ से अराइज हुए दोनों सेल बॉडीज इन न्यूक्लियस क्रेसिलिस एंड क्यूनिएटस न्यूक्लियाई, और इसी इन दोनों न्यूक्लियस को डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियाई कहते हैं। इसी वजह से इस ट्रैक का नाम डॉर्सल कॉलम ट्रैक पड़ा। फाइबर्स क्रॉस टू द मिड लाइन, ये देखिए दोनों फाइबर्स ने मिड लाइन क्रॉस किया, ये मिड लाइन है, एंड अपोजिट साइड इन द मेडुला एंड असेंड अप इन मीडियल लैमिनिस्कस टू रीच द थैलेमस। अब इनका नेक्स्ट स्टेशन है थैलेमस। तो यहाँ से ये फाइबर मिड लाइन को क्रॉस कर गए। ये जो फाइबर मिड लाइन को क्रॉस किए हैं इसकी इन फाइबर्स को बोलते हैं मीडियल लैमिनिस्कस, और मीडियल लैमिनिस्कस की ये फाइबर्स पॉन्स और मिड ब्रेन से होते हुए थैलेमस में रिले होते हैं। सो ये यहाँ कंप्लीट होते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन के बाद ये थैलेमस में रिले हुए। थैलेमस क्या है, एक स्पेसिफिक रिले न्यूक्लियस स्टेशन है। सो यहाँ से ही फाइबर जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो फाइबर थैलेमस से अराइज होते हैं उसे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो फाइबर्स अराइज हुए ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहलाएंगे। एक और ख़ास बात, जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है ट्रांसमिट इम्पल्स टू कॉन्ट्रालेटरल थैलेमस, क्योंकि ये मिड लाइन क्रॉस कर गए हैं तो इस वाले थैलेमस में यहाँ पे ये रिले करेंगे। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो थैलेमस से ये अराइज होंगे और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे। सो न्यूरॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेसिफिक न्यूक्लियस। अब जो ये डॉर्सल कॉलम के जो फाइबर्स हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन न्यूक्लियस में, ये जो सेकेंड ऑर्डर जहाँ रिले हुए और जहाँ से ये नए थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज हुए, ये बेसिकली इसके स्पेसिफिक न्यूक्लियस के से होते हुए जाएंगे। वो न्यूक्लियस कौन सा है का जहाँ पे ये रिले हुए और थर्ड ऑर्डर जनरेट हुए, वो है वेंट्रल पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, जिसे VPL भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs में बहुत पूछा जाता है। तो VPL यानी वेंट्रल पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस से ये थैलेमस में पहुँचे, थैलेमस से होते हुए ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुँचेंगे। अब ये एक्सोन्स पास थ्रू द, अब ये जो थैलेमस से सेंसरी कॉर्टेक्स तक का जो सफ़र है ये कहाँ से होता हुआ जाता है, इंटरनल कैप्सूल एंड कोरोना रेडिएटर से होता हुआ रीच सोमैटो सेंसरी एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये कहाँ रिले करेंगे, पोस्ट सेंट्रल गायरस एरिया 312। ठीक है, पोस्ट सेंट्रल गायरस एरिया 312। सो ये जो है ये एरिया 312, दिस इज पोस्ट सेंट्रल गायरस, दिस इज प्री सेंट्रल एरिया, प्री सेंट्रल गायरस एरिया, ये मोटर होता है, ये एरिया सेंसरी होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, दिस वन इज ऑसिपिटल, ओके दिस वन इज फ्रंटल। तो ये जो पैराइटल लोब में पोस्ट सेंट्रल गायरस है यहाँ पे ये फाइबर्स जो है वो रिले होंगे, और फाइनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन है जो डॉर्सल कॉलम ट्रैक के थ्रू ले जाई गई है वो पहुँच जाती है। सो इस ट्रैक को इसी तरीके से याद करिए, और एग्ज़ाम में अगर आए तो बना के इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि ये डॉर्सल कॉलम क्या है, इसके मेन फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है, पहला ये कैरी करता है सेंस ऑफ टच। टच किस तरीके का सेंस करता है, कोई भी डीप टच या प्रेशर, कोई भी फाइन टच या टैक्टाइल सेंसेशन। जब आप क्लिनिकल लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में फाइन टच के लिए हम कॉटन स्वैब ले लेते हैं, कॉटन स्वैब को ओपन आइज और क्लोज आइज के साथ में बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में लेफ्ट और राइट दोनों साइड टच करके हम सब्जेक्ट से पूछते हैं कि उसको सेंस कहाँ फील हो रही है, और वो आपको इस चीज़ को नोटिफाई करता है। टैक्टाइल लोकलाइजेशन क्या होता है कि टैक्टाइल लोकलाइजेशन पर्टिकुलरली उस एरिया को लोकेट करना जहाँ उसे टच की सेंसेशन फील हुई। टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है टू पॉइंट्स के बीच में वो ये फाइंड आउट कर पाए कि उसको वो दो पॉइंट फील हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है इसमें जो सबसे कम एरिए पे तो पर्सन जो है वो दो पॉइंट को रिसीव कर पाता है वो होता है टिप ऑफ फिंगर्स लिप्स, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे कम उसको टू पॉइंट्स डिस्क्रिमिनेट होते हैं एट बैक, P
पीठ की तरफ, तो बैक में क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो उसका ओरिएंटेशन बैठेगा टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का, वो बैठेगा कहाँ पे? टिप ऑफ फिंगर्स पे, लिप्स पे, नेक पे। नेक्स्ट रहता है स्टीरियोग्नोसिस, ये भी आपको सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन में करना होता है। स्टीरियोग्नोसिस का मतलब होता है कोई भी फैमिलियर ऑब्जेक्ट आपको क्लोज आई से के साथ में आइडेंटिफाई करना होता है, देन मतलब एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ नोन ऑब्जेक्ट बाय टच विद द क्लोज्ड आईज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में पेन पकड़ा दिया जाए, आपकी आईज क्लोज हो, तो आपसे पूछा जाता है कि वो पेन क्या, वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्लोज आईज के साथ उस फैमिलियर ऑब्जेक्ट को अगर आप बता पाते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टीरियोग्नोसिस। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन में आता है इसका प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्स और वाइब्रेशन सेंसेस, ये सब एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन में ये आपको करके दिखाने होते हैं, ठीक है। कंपास एस्थीसियोमीटर का यूज़ कर लेते हैं हम टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, लोकलाइजेशन के लिए हम क्या कहते हैं कॉटन स्वैब यूज़ करते हैं, फाइन टच के लिए भी हम कॉटन स्वैब यूज़ करते हैं, डीप टच और प्रेशर के लिए कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट लाइक पेन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, स्टीरियोग्नोसिस के लिए हम कोई फैमिलियर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जब हम प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्स को टच फाइंड आउट करते हैं, तो इसका मतलब होता है हेल्प इन काइनेस्थेटिक सेंसेशन। काइनेस्थेटिक यानी आपके बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो स्टैटिक कंडीशन में उनकी जो पोजीशन है वो कैसी है, तो आपकी आईज को क्लोज करके, सब्जेक्ट की आईज क्लोज करके आप उससे पूछते हैं कि उसके बॉडीज का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है कहाँ है, और अगर मूवमेंट लेवल पे आप करना चाहें टेस्ट, तो मूविंग लेवल पे भी आप इसको टेस्ट करते हैं, तो अगर वो आप सब्जेक्ट आपको इजीली बता पाता है उसकी पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट की, या मूवमेंट के टाइम पे पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट, तो दिस इज़ नोन एज प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सिस। और ये क्या, और कौन कैरी करता है? डॉर्सल कॉलम पाथवे। वाइब्रेशन सेंसेशंस की जब हम बात करते हैं, तो इसके लिए हम ट्यूनिंग फोक का यूज़ करते हैं, तो ट्यूनिंग फोक की हेल्प से हम क्या करते हैं, रैपिड चेंज इन पेरिफेरल कंडीशन, ट्यूनिंग फोक को स्टक करके हम वाइब्रेशन सेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सब्जेक्ट से पूछते हैं, एंड फाइनली इफ ही इज़ एबल टू आइडेंटिफाई, देन द ऑन बोथ साइड्स राइट एंड लेफ्ट विद ओपन आइज विद क्लोज्ड आइज। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है, और थ्योरी में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि भाई ये जो सेंसेशन है ये किस तरीके की सेंसेशन है, कौन सा ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट इसको लेके जाता है, ट्रैक्ट्स की लोकेशन क्या होती है, कौन सा ऑर्डर न्यूरॉन सिस्टम कहाँ से कहाँ तक जाता है। सो आप अगर इस ट्रैक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, तो क्लिनिकल सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन, क्लिनिकल सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस अच्छे से दे पाएंगे। इसके साथ ही थ्योरी में इसमें फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको डिस्क्राइब करके इजीली, बहुत इजी वे में बना के डिस्क्राइब करें, तो एग्जामिनर्स को वो प्रेडिक्ट होगा कि आप बहुत, आपके जो कंसेप्ट हैं वो टोटली क्लियर है कि कौन सा फाइबर कहाँ जाएगा, कहाँ रिलीज स्टेशन है, कहाँ से कौन सा न्यूरॉन अराइज होगा, फर्स्ट ऑर्डर कहाँ स्टार्ट होगा, सेकेंड ऑर्डर कहाँ स्टार्ट होगा, और थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन कहाँ स्टार्ट होगा। होप यू वुड लाइक द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, समझ में आया, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स मेरे टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।